अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आइनुल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूट्यूब SEO के बारे में। तो सबसे पहले आपने ये समझना है व्हाट इज़ SEO। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर ये सेटिंग्स आप कर लेते हो यूट्यूब के, तो आपका चैनल टॉप पर आ सकता है, आपका चैनल सर्च पर आ सकता है, आपकी वीडियो सर्च पर आ सकते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपने ओपन करना है अपने गूगल को, गूगल में सर्च करना है youtubestudio.com। तो यहाँ पे आ चुका है यूट्यूब स्टूडियो, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये URL ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे बहुत से सेटिंग्स है SEO के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस यहाँ पे सेटिंग्स पर आ जाना है, सेटिंग्स ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद है। जनरल मौजूद है, चैनल अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, ये पांच ऑप्शन SEO के बारे में है। और बाकी दो जो है प्रमोशन एग्रीमेंट, ये SEO से हट कर हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ जाना है जनरल पर। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट यूनिट्स करेंसी। करेंसी मैंने US डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। इसका मतलब ये मतलब आप जितना भी अर्न करते हो यूट्यूब के ज़रिए से, तो वो इसी करेंसी में शो हो जाएगा। मतलब जब मतलब मैं अर्न करता हूँ, मनी अर्न करता हूँ, और ये US डॉलर में मुझे शो करता है। उसके बाद आता है चैनल। चैनल को आपने ओपन करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग्स, फीचर्स, एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आपने यहाँ जाना है बेसिक इन्फो पर। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है नीचे कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब SEO में। अगर ये कीवर्ड्स आप नहीं डालते तो आपका चैनल बेकार, आपका SEO सेटिंग बेकार। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखना होगा, ये हैशटैग आपने लगाना होगा। मतलब आपका चैनल, आपका कंटेंट जिस भी बारे में हो, सबसे पहले आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। उसके बाद आपने वीडियोस का टाइटल यहाँ पे डालना है। मतलब वीडियोस का टाइटल जो जितने भी वीडियोस है, और आप उसके बाद जितने भी वीडियोस अपलोड करते करोगे, तो वही टाइटल्स और उसके बारे में आपने सब टैग्स यहाँ पर लगाने होंगे, कीवर्ड लगाने होंगे, तो आपका चैनल जा सकता है आगे। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूट्यूब कोर्सेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक अर्निंग इन्फॉर्मेशन चैनल, ऑनलाइन अर्निंग, इसी तरह आपने लिखना होगा। उसके नीचे आते हैं टैग्स का ऑप्शन, सॉरी, उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे एक सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है डू यू वॉन्ट टू सेट यूर चैनल एज मेड फॉर किड्स। मतलब इसका ये है, अगर आप वीडियोज़ बनाते हो किड्स के लिए, तो यहाँ पे आप यस करें, अगर नहीं करते हो तो आप नो करें। अगर आप ये चाहते हो, जब भी मतलब अगर मैं वीडियो अपलोड करना चाहूँ तो ये ऑप्शन मुझे वहाँ पे मिल जाए, तो आप आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो आप ये कर ले। उसके बाद आता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। तो यहाँ पे आप अपना एड्स कर सकते हो, गूगल एड्स अकाउंट लिंक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक कैप्शंस। ऑटोमेटिक कैप्शंस को आपने ऑफ कर देना है। ये इसका फ़ायदा ये है, मतलब ये ऑटोमेटिक कैप्शंस है, यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मतलब जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो ये ऑटोमेटिक कैप्शंस आ जाते हैं, मतलब टाइटल नीचे टाइटल लिख जाते हैं, तो ये आपने डिसेबल कर देना है, उसमें गलती आ सकती है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट, आपने इसी को भी ऑफ कर देना है, ऑन नहीं करना। उसके बाद आता है क्लिप्स, आपने अलाउ व्यूवर्स टू क्लिप माय कंटेंट, इसको टिक कर देना है। ये इसका ये फ़ायदा है, मतलब अगर कोई आपके चैनल के वीडियोस को पसंद करता है और वो क्लिप्स को मतलब डाउनलोड करता है या शेयर करता है, तो ये डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है अदर सेटिंग, ये SEO में मौजूद नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आता है फीचर्स एलिजिबिलिटी, तो पहला जो ऑप्शन है वो उसी वक्त इनेबल हो जाएगा जब आप चैनल बनाते हो। फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फीचर्स, ये इस वक्त होगा, मतलब जब आप इस पर अपना वेरीफाई फ़ोन नंबर, मतलब आप अपना फ़ोन नंबर इसको दे देते हो, तो ये खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है एडवांस फीचर्स, ये उस वक्त ऑन हो जाएगा, होता है मतलब जब आप आपका चैनल तो हिस्ट्रिकल मतलब थोड़ा पुराना हो, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद आता है अपलोड डिफॉल्ट्स, तीसरे नंबर पर आता है अपलोड डिफॉल्ट्स। यहाँ पे दो ऑप्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग्स। तो सबसे पहले हमने समझना है व्हाट इज़ अपलोड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है, मतलब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो हर वीडियो में अपना आप अपना टाइटल डालते हो, हर वीडियो में आप अपना डिस्क्रिप्शन डालते हो, और हर वीडियो में अपना अपना टैग्स डालते हो।
तो ये इसीलिए होता है कि आपका एडवांस में ये सब चीज़ें पड़े होते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये भी एडवांस में है और उसके बाद टाइटल एडवांस। तो आपने सबसे पहले ये करना है, टाइटल को आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे वाले में आपने कुछ मतलब लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर माई चैनल। इसी तरह आपने लिंक्स भी देने हैं यहाँ पर ऐड करने हैं। नीचे यहाँ पर आता है विजिबिलिटी, आपने यहाँ पे अनलिस्टेड या पब्लिक पर करना है, या प्राइवेट भी आप कर सकते हो। अनलिस्टेड का मतलब ये है, मतलब जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वो पब्लिक पर नहीं जाता, तो वो अनलिस्टेड पर ही रहता है, मतलब आप उसको चेक करते हो तो मतलब इसलिए चेक करते हो कि HD है या सही अपलोड हुआ है या मैंने सही बनाया है, मतलब आप उसको गलती देखने के लिए आप करते हो तो आप अनलिस्टेड पर कर ले। उसके बाद आता है टैग्स, यहाँ पे आपने अपना टैग्स डालना होगा, मतलब डिफॉल्ट पर अपना टैग्स डालना होगा, मतलब आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो ये टैग्स ऑटोमेटिकली एडवांस पर ही मौजूद होगा। उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में भी बहुत सेटिंग्स है, आपने सबसे पहले इसको अलाउ कर देना है, येस कर देना है। उसके बाद आता है लाइसेंस, आपने इसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर आपने कर देना है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है, मतलब आपका वीडियो कोई और अपलोड नहीं कर सकता अपने चैनल में। और क्रिएटिव कॉमन का मतलब ये है कि आपका चैनल का वीडियो को और कोई अपलोड कर सकता है, तो आपने स्टैंडर्ड पर लगाना होगा। उसके बाद आता है कैटेगरी, आपने अपना चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैप्शंस, आपने कैप्शंस को छोड़ देना। उसके बाद आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आपने इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करते हो वही सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आता है कमेंट्स, कमेंट्स ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर देना है और यहाँ पर आपने कर देना है स्ट्राइक पर या होल्ड आल पर। इसका ये फ़ायदा होगा, मतलब अगर कोई गलत कमेंट पास करता है तो वो यहाँ पर अप्रूव देने के लिए हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा, मतलब आके वीडियो के नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आपके चैनल पर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद आप अप्रूव करके यूट्यूब में डाल सकते हो। उसके बाद आता है परमिशंस चौथे नंबर पर, ये बहुत ज़बरदस्त मतलब ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी और ईमेल किसी और यूट्यूब के चैनल को आप इनवाइट कर सकते हो, मतलब मैंने अभी इनवाइट किया हुआ है मैनेजमेंट के लिए, उसको मैंने मैनेजर लिखा मैनेजर किया हुआ है, उस मैनेजर बनाया है मैंने दूसरे यूट्यूब के आईडी को। और उसके बाद आता है कम्युनिटी चौथे सेटिंग्स पर, चौथे नंबर पर आता है, सबको आपने छोड़ देना है। आखिरी में आते हैं ब्लॉक लिंक्स, आपने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट्स, डिफ़ॉल्ट्स पर आपने ऑलरेडी मैंने ये सब सेटिंग्स किए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर सेव का जो बटन है वो आपने लगाना होगा। क्योंकि मैंने सब कुछ किए हैं ऑलरेडी तो मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद आते हैं हम कस्टमाइजेशन की तरफ, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है कस्टमाइजेशन, यहाँ पे इसका ऑप्शन मौजूद है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, कस्टमाइजेशन का मतलब ये है, मतलब अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करते अपने YouTube का तो आपका चैनल फुल सिंपल होगा, उसमें उसका डिस्प्ले फुल सिंपल होगा, उसमें वीडियो कुछ भी नहीं होगे अगर आप इसका करते हो तो, ये इस तरह होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें तीन ऑप्शन है, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। तो हम बेसिक इन्फो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, मतलब आप अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप नेम सेलेक्ट करना चाहो या चेंज करना चाहो। उसके बाद आता है हैंडल, जो भी इस पेज को या इस चैनल को हैंडल करता है उसी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ पे अपने चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपने लगाना है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो आपने लगा देना है, मतलब आपका चैनल जिस भी बारे में है, मतलब माई नेम इज़ दिस एंड माई चैनल इज़ अबाउट दिस थिंग, तो आपने लिखना है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपने नहीं डालना क्योंकि लोग नहीं देखते बड़े डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद आपने यहाँ जाना है उसके नीचे जो मौजूद है यहाँ पे इंग्लिश, मतलब आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ऐड इंग्लिश ऐड लैंग्वेज पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है चैनल URL, यह आप मौजूद ऑलरेडी पहले से है। उसके बाद नीचे मौजूद है लिंक्स, यहाँ पे आपने अपने लिंक्स डालने हैं, मतलब आप अगर फेसबुक पेज चलाते हो और अगर आप ट्विटर चलाते हो या टिकटॉक या इंस्टाग्राम चलाते हो तो यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आता है कॉन्टैक्ट के लिए एक ईमेल,
और वो आपने वो ईमेल देना होगा जो जिस पर आपका चैनल मौजूद नहीं है, वो ईमेल आपने यहाँ पे देना होगा, क्योंकि वो लोग हैक करते हैं अगर आप इसको अपने चैनल का ईमेल बताते हो। तो आपने ख्याल करना है अपने चैनल का यूआरएल, मतलब ईमेल आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। उसके बाद आता है ब्रांडिंग पर। ब्रांडिंग पर तीन ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है, फिर पर आपको ये बताता है मतलब आपने कितना रखना है, कितने पिक्सल्स का, 4 MB का पिक रखना है, और नो एनिमेशन, मतलब उसमें कोई इमोजी वगैरह कुछ भी नहीं हो। उसके नीचे आता है बैनर इमेज, आपको बताता है कितना आपने बैनर इमेज रखना है। उसके बाद नीचे वाटरमार्क और उसका साइज भी आपको बताया गया है यहाँ पे नीचे। और उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट में यहाँ पे आपके चैनल में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैंने सेटिंग सब कुछ किए है इसलिए यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है और हाँ आ रहा है। मतलब पहले वाले में आता है वीडियो स्पॉटलाइट, इसका मतलब ये है नीचे आप देख रहे हैं चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, मतलब ये वीडियो उस लोग उन लोगों के लिए जिन जिन्होंने अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो आप यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो, यहाँ पर 3 डॉट मौजूद हो गए, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो और रिमूव वीडियो भी कर सकते हो। और इसके नीचे आता है फीचर्स वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, मतलब इसका ये है आप यहाँ पर वीडियो लगाओ और वो लोग जिन्होंने अपने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो दोबारा से आपके चैनल को रिव्यू करना चाहते हैं या दिखते हैं, तो उन्हों के लिए यहाँ पे पहला पहला वीडियो ये शो हो जाएगा, ये S24 Ultra वाला वीडियो। उसके नीचे आता है एक ज़बरदस्त ऑप्शन फॉर यू। फॉर यू को आपने ऑन कर देना है। तो जब आप इसको ऑन करते हो तो नीचे पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐड सेक्शन पर ऐड क्लिक करना है। उसके बाद आता है जितने भी वीडियोस आप यहाँ पे शो करते हो आप शो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3-4 वीडियो शो किए हैं, पहला शॉर्ट्स का वीडियो और दूसरे इसका उसके बाद वीडियो और उसके बाद लाइव नाउ। तो अभी तक मैं लाइव नहीं हुआ हूँ इसलिए ये 0 है। उसके बाद आता है पॉपुलर वीडियो 7 है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 0 है मेरे। तो यहाँ पे आप जो भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, अगर प्लेलिस्ट ऐड करना चाहो कर सकते हो, जो भी ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो यही थी YouTube SEO की सेटिंग्स, जितना मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया और सब सेटिंग्स यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो थी ना ये पेड वीडियो थी, मतलब मैं तो आप लोगों को फ्री बता रहा था, लेकिन ये वीडियोस मतलब अगर आप देख ले तो ये पेड वीडियो है, ये पैसों में लोग देखते हैं या इसके बारे में सर्च करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री बताया क्योंकि मैं खुद बिगनर यूट्यूबर हूँ, मेरा तो कोई पेड नहीं करेगा, और जब मैं अगेन चला जाऊँगा तो भी इंशाल्लाह ताला फ्री आप लोगों को बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ आ गई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।